बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनाली साहब। सफल किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको देश के कोने कोने से उभरती प्रतिभाओं से रूबरू कराते हैं, जिसमें कृषि और पशुपालन और इससे जुड़े स्टार्टअप्स की ऐसी जानकारी होती है जो किसानों और कृषि के बारे में सोच बदलने में कारगर है। आज के इस अंक में हम आपको दो ऐसे किसानों से मिलवाएंगे जो अपने अपने क्षेत्र में सफलता के परचम लहरा रहे हैं। इनकी सफलता की कहानी जानने के लिए सबसे पहले चलेंगे राजस्थान के बाड़मेर और उसके बाद रुक करेंगे उत्तर प्रदेश के सहारनपुर का। तो चलिए आज का कारवां शुरू करते हैं राजस्थान के बाड़मेर से। राजस्थान का बाड़मेर जिला दूसरा सबसे बड़ा जिला है। तेल और कोयला उत्पादन के क्षेत्र में ये जिला अपना अलग ही स्थान रखता है, जहाँ के किसान मिलीजुली खेती से अपना जीवन यापन करते हैं। बारिश की बात की जाए तो यहाँ बारिश सामान्य तौर पर 277 मिलीमीटर होती है, लेकिन कभी कभी सामान्य से ज्यादा बारिश काफी नुकसान दे जाती है। ऐसे में यहाँ के किसान कृषि के क्षेत्र में कई समस्याओं का सामना कर रहे हैं। हालांकि कुछ किसान ऐसे भी हैं जो विपरीत हालात में भी सफलता की राह निकालना जानते हैं। ऐसे ही है बाड़मेर के बालाराम जी। बालाराम जी भारत पाक की सीमा से लगे गांव जानपालिया गांव में रहते हैं और सीमा से लगी अपनी जमीन में भविष्य के सपने बोते हैं। करीब 100 बीघा भूमि में एकीकृत कृषि की तकनीक को अपना कर बालाराम जी ने नुकसान में जा रही खेती को मुनाफे पर ला खड़ा किया है। इस समय वो सब्जियों की खेती, अनार की खेती, बाजरे की खेती, मसाले में जीरे की खेती, पशुपालन, नेपियर घास की खेती, बायोगैस प्लांट, केचुआ खाद प्रसंस्करण शामिल है। उनकी इन विधाओं में सबसे प्रभावी है नेपियर घास, क्योंकि बालाराम घास की खेती केवल अपने पशुओं के लिए नहीं करते बल्कि आसपास के क्षेत्रों में निर्यात कर इससे बढ़िया मुनाफा कमाते हैं। इन सभी कामों को बालाराम जी अकेले नहीं संभालते। अगर वो फसलों की देखभाल करते हैं तो उनका छोटा बेटा पशुपालन की जिम्मेदारी संभाल रहा है। पहले तो जीरा होता था, जीरा होने के बाद में 5 साल बाद में जीरा होता नहीं है, तो यहाँ के लोग क्या करते, जीरा ही जीरा बातें, अरंडी बात, दूसरा कोई बात नहीं है। तो हमने रायड़ा भी बाया, खूब मजूरी रायड़े में, अरंडी में और इस नेपिर में। तो एक साल के 2 बीघा जमीन है, 2 बीघों के अंदर 3 या 4 लाख मिलते हैं हमको इस चारे में। घर की भैंसें खाती हैं, बकरियां भी खाती हैं और उससे अलावा 4 लाख या 2 बीघे के अंदर, और बिकते ज़्यादा बिकते हैं इस मौसम के, ये ठंडी मौसम है, इसमें इस तुरंत लगता है। बालाराम जी की खेती के बारे में विस्तार से जानने से पहले आइए समझते हैं नेपियर घास के बारे में। दुधारू पशुओं के लिए चारे की समस्या से निजात दिलाने में नेपियर घास काफी कारगर है, क्योंकि एक बार अगर इसकी खेती की जाए तो लंबे समय तक उत्पादन मिलता रहता है। इसका चारा पौष्टिकता से भरपूर होता है, इसमें औसतन प्रोटीन की मात्रा 7 से 12% तक पाई जाती है। पत्तियों में 9.30% और तने में 4.40% प्रोटीन पाया जाता है। यही गुण पशु की दूध उत्पादन क्षमता में इजाफा करता है। इसके साथ ही पशु की सेहत भी अच्छी बनी रहती है। नेपियर घास की खेती हर तरह की मिट्टी में की जा सकती है, इसे ज्यादा सिंचाई की जरूरत नहीं होती, इसीलिए राजस्थान जैसे प्रदेशों में इसकी खेती बढ़िया लाभ दिला सकती है।
एक बार लगाने के बाद 4 से 5 साल तक लगातार हरा चारा मिलता रहता है। नेपियर घास की पहली कटाई जहां 60 से 65 दिनों में की जाती है, वहीं इसके बाद हर 30 से 35 दिन पर यानी साल में 6 से 8 बार काट सकते हैं। कम पानी और मिट्टी से कम पोषक तत्वों की अपेक्षा रखने वाली नेपियर भूमि संरक्षण के लिए उपयुक्त है। इस बहुवर्षीय चारे को परती जमीन और एकल फसली खेतों में भी आसानी से उगा सकते हैं। इसे खेतों के एक हिस्से या मेड़ पर भी लगा सकते हैं। इस तरह से ये घास कई मायनों में मुनाफा देने वाली है। नेपियर घास के बारे में तो हमने जानकारी ले ली, लेकिन इससे हमारे आज के सफल किसान बालाराम जी कैसे मुनाफा कमाते हैं, आइए जानते हैं। बालाराम जी पिछले 40 सालों से खेती के क्षेत्र में अपना योगदान दे रहे हैं। बीते इन सालों में बालाराम जी ने कई फसलों को चुना तो कई को छोड़ा, लेकिन सफलता का स्वाद पिछले कुछ सालों में मिल पाया है। खेती में आ रही समस्याओं के लिए उन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क किया, जिन्होंने उन्हें नेपियर घास उगाने की सलाह दी। बालाराम जी शुरू से ही पशुपालन करते आ रहे थे, ऐसे में उनके लिए ये विकल्प अच्छे संकेत दे रहा था, लिहाजा बालाराम जी ने नेपियर घास उगाना शुरू कर दिया। आज उनका ये मुख्य व्यवसाय बन चुका है, क्योंकि तैयार चारा आसपास के कई जिलों में पहुंचाया जाता है, जिससे बालाराम जी को बढ़िया आमदनी हो रही है। मैं ये सोचा भाई कुछ अदनपन करूं, तो पहले लाइट ली मैंने, नर्सरी लाइट लेके पहले तो मैंने जीरा बोया। उसके बाद में देखा भाई जमीन के अंदर दूसरा अनाज नहीं हो रहा, तब ये हरा चारा बोया। ये हरा चारा बिकता है तो कोई गौचाले के अंदर ले जाता है। यहाँ से अहमदाबाद गए, अजमेर भी गए, वलोतरा भी गए, जोधपुर भी गए, बीकानेर भी गए, और पालनपुर, डिशा, पाली, सब जगह यहाँ से हरा चारा गया है। मेरी गाड़ी भर के मैं भेजता हूँ। दोस्तों, अभी कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बालाराम जी के पशुशाला का भ्रमण करवाएंगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए, गोल्डी सब्जी मसाले जहां जाए रिश्ते बढ़ाए, गोल्डी मसाले। किया उजागर आज इसने कल भी होगा सफल, दरगा सुपर साथ तो प्रगति है हर पल। 2 दशकों से किसानों का सबसे भरोसेमंद खरपतवार नाशक, सुपर काम भरोसे का नाम, दरगा सुपर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम सफल किसान। आइए सफल किसान की दास्तान को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि बालाराम जी किस तरह से पशुपालन कर रहे हैं। खेती और पशुपालन हमेशा से ही एक दूसरे के पर्याय रहे हैं। इसी को ध्यान में रखकर बालाराम भी पशुपालन करते हैं। उनके पास इस समय 15 गाय भैंस और करीब 60 भेड़ बकरी है, जो उनकी जीवन की गाड़ी को सुचारू रूप से चलाने में मददगार है। पशुओं की सेहत अच्छी रहे और दूध उत्पादन में इजाफा हो, इसके लिए बालाराम पशुओं को नेपियर घास के साथ अजोला भी देते हैं। अजोला की पूर्ति के लिए एक छोटे से पॉन्ड में अजोला उगाते हैं। पशुओं से मिलने वाले दूध को वो बाजार में सीधे नहीं बेचते, बल्कि दूध से घी बनाते हैं। वहीं पशुओं के गोबर का इस्तेमाल बायोगैस संयंत्र में करते हैं और स्लरी का उपयोग जैविक खेती में। इन सभी कामों में उनकी पत्नी और छोटा बेटा बराबरी से सहयोग करते हैं। वो बताते हैं कि उनकी मंशा थी कि उनके दोनों बेटे पढ़ लिख कर डॉक्टर बने। वर्तमान में उनका एक बेटा डॉक्टर बन चुका है, लेकिन दूसरे बेटे ने खेती और पशुपालन में उनका हाथ बटाने को ही अपना ध्येय बना लिया। मैंने यहाँ कुएं मोल खरीदे थे 2001 में, उसके बाद मैं कष्ट कर रहा हूँ। ये नेपियर घास भी आया है और मेरे पास बकरियां भी है, भेड़ें भी है, और इस नेपियर 6 साल से ही
लगातार होते रहते। एक बार बोया 6 साल तक ये नेपियर चारा भैंसों के लिए, और इससे दूध पवित्र आता है, एकदम लोगों के विटामिन में लिए बिल्कुल सही है। और एक बच्चा मेरा डॉक्टर है और एक बच्चा मेरा किसान का काम कर रहा है। मेरे 4 ट्यूबवेल है, यहाँ सब मैंने मोल खरीदी है पीठ पे मजदूरी करके। मैं मेरे पापा जी के साथ खेती का काम भी करता हूँ, उसके साथ साथ मैंने अपने बकरी फार्म बना रखा है और भेड़ फार्म भी है, और गुड़ामलानी केवीके से आर्य परियोजना के वहाँ से ट्रेनिंग ली। उसके बाद मैं वैज्ञानिक तरीके से बकरी है, गाय, भैंस, भेड़ सब भी रखता हूँ और उनके साथ। और नवाचार में मैंने मेरे फार्म हाउस पे गोबर गैस प्लांट बनाया हुआ है, और उसके साथ अजोला की इकाई बनाई हुई है, और वर्मी कंपोस्ट भी है, और उसके साथ साथ केंचुआ खाद भी बनाते हैं, वेस्ट डिकम्पोजर, और जैविक खेती करते हैं हम। और उसके साथ नेपियर घास भी लगाया हुआ है गाय भैंस के लिए, हरे चारे के लिए, और एक बार लगा देते हैं 7-8 साल तक गाय भैंस बकरी खाने के लिए अच्छे चाव से खाती है, और उसके साथ हमारी इनकम भी डबल हो जाती है, क्योंकि एक बार ही लगाना पड़ता है, बार बार लगाने का कोई प्रोसेस नहीं है, और अच्छी तरह से और मुनाफा भी अच्छा होता है बकरियों में। आइए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि राजस्थान के विषमता भरे क्षेत्रों में भी किसान किस तरह से खेती के जरिए मुनाफा ले पा रहे हैं। राजस्थान कई विषमताओं से भरा हुआ है, ऐसे में कृषि करके सफलता तभी पाई जा सकती है जब किसान एक साथ एक ही स्थान पर कई कार्यों का संपादन करे। ऐसे में आय बनी रहती है और किसान को चहुं ओर से मुनाफा होता है। कृषि विशेषज्ञ इसे इंटीग्रेटेड फार्मिंग कहते हैं। इसमें किसान खेती के साथ पशुपालन, मछली पालन, मधुमक्खी पालन, बागवानी जैसी विधाएं एक साथ करते हैं। राजस्थान में कृषि विज्ञान केंद्र इसे बढ़ाने के लिए किसानों का मार्गदर्शन कर रहे हैं, उन्हें समय समय पर प्रशिक्षण दे रहे हैं। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम एक ऐसी आधुनिक तकनीक है जिसमें मुख्यतः फसल के साथ साथ बागवानी, पशुपालन, बकरी पालन, भेड़ पालन, अजोला, वर्मी कंपोस्ट आदि कंपोनेंट को साथ में लिया जाता है, जिससे हमारे किसान भाई ज़्यादा हमारे जो दुगनी आय की बात करते हैं हम, या भारत सरकार जो दुगनी आय की बात करता है, इन इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम के माध्यम से एक ऐसा विकल्प है जो कि हमारे किसान भाई दुगनी आय को बढ़ा सकते हैं, और साथ में हमारे जो किसान भाई है प्रदूषण, जो वायु प्रदूषण होता है उसको, पर्यावरण प्रदूषण है उसको मेंटेन कर सकता है इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम से। साथ में वो रोज़गार की जो बात है, क्योंकि हमारे जो युवा है वो काफ़ी बेरोज़गार है, तो उनको भी एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम है उसके माध्यम से अच्छा रोज़गार मिल सकता है, क्योंकि इसमें पशु जो फसल है, फसल के साथ साथ में पशुपालन है या बकरी पालन है, भेड़ पालन है, इनमें भी इन कंपोनेंट को पालने के लिए साथ में हमारे युवाओं की जरूरत पड़ती है, तो उससे रोज़गार सृजन होता है। और इसी के साथ में हम जो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम है एक पर्यावरण को अच्छे से मेंटेन कर सकता है और लागत भी कम आती है, तो इन तरीकों से हम इनको मेंटेन कर सकते हैं। आइए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए ये समझ लेते हैं कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग के जरिए किस तरह से बालाराम जी को सम्मान भी प्राप्त हुआ और अच्छी आमदनी भी। बालाराम जी बताते हैं कि उन्हें सभी विधाओं से सालाना 10 लाख तक की आय हो रही है, लेकिन आने वाले समय में उनकी ये आय और बढ़ने वाली है, क्योंकि बाग में लगे अनार के पेड़ जब फल देना शुरू करेंगे तो और अच्छा लाभ मिल सकेगा। हालांकि अब तक का उनका ये सफर उन्हें कई बार सम्मानित कर चुका है। हमने ऐसे किया, पहली बोर्ड पे जमीन, लोग बोल रहे कि यहाँ बोर्ड पे जमीन मत खरीदो। मैंने जमीन खरीदी तो उस टाइम में क्या हुआ कि नहीं, पैसे की भी कमी थी, इंसान की भी कमी थी, यहाँ के लोग सब मजदूरी पे चले जाते थे, तो एक दो आदमी कभी घूम घूम के यहाँ लेके आ रहे थे। तो फिर ये खेती करनी शुरू की, इसमें हमारे एक साल के अंदर मेरे अकेला में, मैं और मेरी औरत दोनों
10 लाख 11 लाख की कमाई मिलती है हमको। 10वें महीने में शुरू करता सीजन और मार्च में 10-12 लाख रुपये कृषि कनक किया मैंने। इसी के साथ कार्यक्रम सफल किसान में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको लेकर चलेंगे उत्तर प्रदेश के सहारनपुर और मिलवाएंगे एक और सफल किसान से। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए, गोल्डी सब्जी मसाले जहां जाए रिश्ते बढ़ाए। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम सफल किसान। आइए अब इस सफलता के कारवां को आगे बढ़ाते हैं और रुक करते हैं उत्तर प्रदेश के सहारनपुर का, जहां रहते हैं हमारे आज के दूसरे सफल किसान मुजाहिद। दूर तक फैला आम का ये बाग लंबे समय से एक परिवार का भरण पोषण कर रहा है। जीवाला गांव के रहने वाले मुजाहिद करीब 100 बीघे में आम की बागवानी कर रहे हैं। उनके कुछ पेड़ों की उम्र बताती है कि ये जिम्मेदारी उन्हें परंपरागत तौर पर मिली है। इस समय उनके बाग में करीब 800 आम के पेड़ लगे हुए हैं, जिनमें लंगड़ा किस्म के 500 पेड़, चौसा किस्म के 100 पेड़, गुलाब जामुन किस्म के 80 पेड़, देसी किस्म के 50 पेड़ शामिल है। इसके अलावा मुजाहिद पारंपरिक फसलें भी उगाते हैं, जिसमें गन्ना, गेहूं और धान मुख्य है। इस तरह से मुजाहिद एक बागवान होने के साथ साथ एक किसान भी है। हम खुजनावर मुस्तकम के रहने वाले किसान हैं। आम की खेती करते हैं और गन्ना, गेहूं, कुछ ये चावल, इसकी भी खेती करते हैं। ये आम का बगीचा है अपना। लगभग हमारे बगीचे में 80 पेड़ तो हैं गुलाब जामुन के और 500 पेड़ लंगड़े के हैं। लगभग 100 पेड़ चौंसे के हैं और 20 पेड़ जो है रामकेड़े के भी हैं और कुछ देसी के भी हैं 50-100 पेड़ के करीब, और 2-4 पेड़ और वैरायटी भी हैं, किस्म है जैसी मालदा है, ऐसी किस्म है ढींगा है, उसके भी हैं 10 पेड़। तो इस हिसाब से कम 800 पेड़ हैं बाग के अंदर हमारे, और एक पेड़ का औसत कम से कम 2-2.5 क्विंटल आम का है। किसान मुजाहिद अपने बागों का ख्याल किस तरह से रखते हैं और इससे कितनी कमाई कर लेते हैं, आइए जानते हैं खुद उन्हीं से। किसान की हर सफलता के पीछे उसके द्वारा उठाए गए छोटे छोटे लेकिन महत्वपूर्ण कदम होते हैं। फसल में जरूरी उर्वरक देने, समय पर कीट प्रबंधन करने से लेकर समय पर तुड़ाई करना भी बेहद अहम है। मुजाहिद अपने काम को बखूबी निभा रहे हैं, तभी तो उनके बागों के आम दिल्ली, चंडीगढ़ और जयपुर तक भेजे जा रहे हैं। वो बताते हैं कि प्रति पेड़ से उन्हें करीब 2-2.5 क्विंटल पैदावार मिल जाती है, जिनका बाजार भाव बदलता रहता है। लेकिन एक अनुमान की बात की जाए तो वो हर साल आम से लाखों रुपए का मुनाफा कमा लेते हैं। एक क्विंटल में मान लीजिए सर 15-25 रुपए किलो के आम बाजार हैं, आम के जी 15-25 रुपए के इस टाइम पे बाजार चल रहा है आम का। ये फिलहाल के बाजार ये भी 15-20 रुपए हैं, आगे बढ़ भी जा बाजार तो 3,000-3,500 रुपए का पेड़ पर से एक पैसा आम निकल जाता है। आम का जो है भाव पर सारा ही निर्भर है जी। अगर आम का भाव सही है तो 7,000-10,000 तक का भी पेड़ पर से आम उतरता है। इसकी तुड़ाई जो है आम की डंडी समेत पेड़ से तुड़ाते हैं और उसकी फिर छटाई करके उसकी कई तरह की पैकिंग करते हैं। 5 किलो से लेकर 10 किलो तक की, 7 किलो की, 5 किलो की, 8 किलो की, ऐसी पैकिंग करके और यहाँ से पैक करके गाड़ी ट्रक से लोड करा के जयपुर मंडी तक, दिल्ली, हर जगह पहुँचाने का वो करते हैं काम।
तो देखा आपने हमारे देश के अन्नदाता किसान किस तरह से कठिन परिस्थितियों में भी सफलता की राह बना रहे हैं। उनके ये प्रयास मौजूदा समय के युवा पीढ़ियों को ये संदेश देने के लिए काफी है कि खेती अब लाभ का व्यवसाय बन चुका है। उम्मीद है आज का ये अंक आपको जरूर पसंद आया होगा। सफल किसान कार्यक्रम के विषय में आपकी क्या सोच है, आप क्या विचार रखते हैं, आप हमारे साथ जरूर साझा करें। आप हमें ईमेल भेज सकते हैं, हमारा ईमेल आईडी है safalkisandd@gmail.com। आप चाहें तो हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता है सफल किसान, कमरा नंबर 110, CPC दूरदर्शन खेलगांव, नई दिल्ली 110049। इसी के साथ सफल किसान की आज की कड़ी में बस इतना ही। फिर लेकर आएंगे कुछ और सफलता की कहानियां। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, आप बने रहें दूरदर्शन के साथ पर। नमस्कार।